विश्व गुरु भारत। कभी हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। हमारा देश एक विश्वविद्यालय की भूमि है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश कई विषयों में विशेषज्ञता और ज्ञान का खजाना है। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस देश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं विदेशों के भी बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन इस पर लगी किसी की ऐसी नज़र और तबाह कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए आज हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे इतिहास को। कब स्थापना हुई और कब, कैसे, क्यों तबाह किया गया नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूत कर दिया गया। आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लग गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग जलती रही। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए कोई फीस नहीं लिया जाता था। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से फ्री था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर सरक कर ध्यान लगाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से होता था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन, वेद पुराण सहित कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इतसिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने स्वीकार किया कि यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, धन, आलम, धन, दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं हमारी धरोहर को किसकी नजर लगी और कौन एहसान फरामोश था जिसने इसका विध्वंस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था।
बख्तियार खिलजी के द्वारा परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। इस विश्वविद्यालय में कई धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। चीनी यात्री वेन सोंग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ग्रहण किया था। पहला विनाश स्कंद गुप्त के शासन काल के दौरान मिहिर कुल के तहत वान के कारण हुआ था, लेकिन स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने दूसरा विनाश करवाया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला सन 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दिया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद को दिखाएं, इलाज करवाएं। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, और उसको यह स्वीकार भी नहीं था कि भारतीय उससे कहीं ज्यादा ज्ञानी हो। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं करूंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली। आचार्य ने खिलजी को एक पुस्तक दिया और कहा कि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक आप पढ़े। बख्तियार ने आचार्य के बताए अनुसार उस शास्त्र को पढ़ा, पढ़ता गया और थोड़े दिनों के बाद ठीक हो गया। राहुल श्रीभद्र ने आयुर्वेद के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो गया। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक आग जलती रही। इलाज कराने से पहले ही बख्तियार ने यह शर्त रखा था कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह आचार्य की हत्या करवा देगा। वह उस समय बिहार का मुगल शासक था।